कार स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube लेक्चर सीरीज़ में। जैसा कि हमने लास्ट बार पढ़ा था, अभी हम BSc पार्ट थर्ड के लिए यूनिट सेकंड शुरू की थी हमने, और पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हमने बताया था आपको कि CFT क्या है, उसमें हम कैसे CFT का यूज़ करते हैं, BVT में कुछ कमियाँ थी जिन्हें दूर करने के लिए CFT की ज़रूरत पड़ी, और CFT में क्या क्या पोस्टुलेट्स होते हैं, क्या क्या पॉइंट्स होते हैं। उसके बाद हमने थोड़ा सा देखा था कि अष्टफलकीय संकुलों में विपाटन कैसे होता है। आज हम उस चीज़ को थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि आखिर अष्टफलकीय संकुलों में ये डी ऑर्बिटल्स का ये जो विपाटन होता है वो कैसे होता है। इससे पहले कि हम डी ऑर्बिटल्स का विपाटन पढ़ें, तो पहले हमें जानना होगा कि डी ऑर्बिटल्स कितने होते हैं और कैसे होते हैं, यानी कि डी ऑर्बिटल्स के बारे में जानना है। डी ऑर्बिटल्स, डी कक्षक, आप सभी ने पढ़ा होगा, जानते होंगे कितनी डी ऑर्बिटल होती हैं। डी ऑर्बिटल हम सभी ने सुना है कितनी होती हैं, 5 होती हैं, ऐसा ही सुना है ना। कुछ कुछ कौन कौन सी होती हैं, DXY, DYZ, DZX, DX²-Y² और DZ², यही 5 पढ़ी है ना आपने। ये 5 ऑर्बिटल्स होती हैं डी, लेकिन मैं कहती हूँ 5 नहीं, 6 डी ऑर्बिटल्स होती हैं। अब आप कहोगे 6 डी ऑर्बिटल्स, अब 6 डी ऑर्बिटल्स कहाँ से आ गई, हमने तो केवल 5 ही डी ऑर्बिटल्स पढ़ी हैं। तो एक्चुअल में 6 डी ऑर्बिटल्स होती हैं, लेकिन ये जो हमारी ये जो 5वीं डी ऑर्बिटल है, DZ² ऑर्बिटल, ये 2 ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से, संयोजन से बनती है। इसलिए एक्चुअल में डी ऑर्बिटल्स कितनी होती हैं, 6 होती हैं, लेकिन उनमें से 2 ऑर्बिटल्स क्या कर जाती हैं, कंबाइन कर जाती हैं, संयोजन कर जाती हैं, जिसकी वजह से वो एक ऑर्बिटल में कन्वर्ट हो जाती हैं, जिसका नाम है DZ². अगर हम देखें कि डी ऑर्बिटल्स कैसी होती हैं, हम जानते हैं एस ऑर्बिटल कैसी होती है हमारे पास, एस बी ऑर्बिटल होती है हमारे पास स्फेरिकल, गोलाकार, ठीक है। पी ऑर्बिटल हम जानते हैं कैसी होती है, डंबवेल के आकार की, ये पी ऑर्बिटल होती है। अब डी ऑर्बिटल कैसी होती हैं, सुना होगा आप लोगों ने, जैसे एस ऑर्बिटल है गोलाकार, पी ऑर्बिटल है डबल डम पी ऑर्बिटल होती है डंबवेल के आकार की, उसी तरह डी ऑर्बिटल होती है डबल डंबवेल के आकार की। मतलब इस तरह के जो डंबल बनाए हैं डबल बनेंगे, यानी 2 डंबल बनेंगे। तो देखते हैं 5 डी ऑर्बिटल्स होती हैं, उनकी शेप कैसी होती है, आखिर वो कैसे हमारे मॉलिक्यूल के अंदर स्थापित होती हैं। तो अगर हम बात करें DX, उससे पहले हम यहाँ देखें, हमारे पास 5 डी ऑर्बिटल दी हुई हैं। ये जो 3 डी ऑर्बिटल होती हैं, ये कहाँ पर स्थित होती हैं, जैसे हमारी अक्ष होती हैं, 3 अक्ष होती हैं, ये है जेड एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, 3 एक्सिस होती हैं। तो ये जो 3 डी ऑर्बिटल हैं, DXY, DYZ, DZX, ये कहाँ पर स्थित होती हैं, अक्षों के बीच में, अक्ष पर नहीं होती हैं, कहाँ होती हैं, अक्षों के बीच में स्थित होती हैं। इसलिए इन तीनों को कहा जाता है नॉन एक्सियल, नॉन का मतलब नहीं होती हैं, एक्सियल का मतलब अक्षों पर, यानी कि ये 3 डी ऑर्बिटल नॉन एक्सियल होती हैं, अक्षों पर उपस्थित नहीं होती, कहाँ होती हैं, अक्षों के मध्य में स्थित होती हैं। जबकि ये दो डी ऑर्बिटल हैं, DX²-Y² और DZ², इनको कहा जाता है एक्सियल, अक्षीय, यानी कि ये जो 2 डी ऑर्बिटल हैं ये कहाँ पर स्थित होती हैं, हमारी अक्षों पर स्थित होती हैं, ठीक है। यानी कि डी ऑर्बिटल 2 तरह की होती हैं, एक होती है नॉन एक्सियल और एक होती है हमारी एक्सियल, ठीक है। अब हम देखते हैं, जैसा कि हमने बताया ये नॉन एक्सियल है, अक्षों पर स्थित नहीं है, तो नाम क्या है इसका, DXY। तो इसका मतलब है ये कहाँ पर स्थित होंगी, 2 अक्षों के बीच में स्थित होंगी। मान लो ये हमारी है, कौन कौन सी 2 अक्ष होंगी, एक एक्स एक्सिस होगी और एक वाई एक्सिस। मान लो ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है, तो ये जो हमारी डी ऑर्बिटल होगी कहाँ पर होगी, अक्षों के मध्य में। कैसी होती हैं, डबल डंबल के आकार की, ये हमने बना दी डबल डंबल के आकार की। इनकी 2 लोब्स सेम फेज में होती हैं और 2 लोब्स अपोजिट फेज में, यानी जो हमारी अपोजिट लोब्स जो होती हैं वो कैसी होती हैं, सेम फेज की होती हैं। यानी कि इनके अंदर अगर हम देखें सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है,
सममिति का केंद्र उपस्थित होता है, इसीलिए जितनी भी डी ऑर्बिटल्स होती हैं वो सभी क्या कहलाती हैं, जीरेड कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? जीरेड। जहाँ पर भी सेंटर ऑफ सिमेट्री उपस्थित होगा उनको जीरेड कहा जाता है। तो डी ऑर्बिटल्स कैसी होती हैं? जीरेड होती हैं। ये कौन सी, ये डी ऑर्बिटल है, डबल डम्बल के आकार की है, डी ऑर्बिटल है, और कौन सी कक्षाओं के बीच में स्थित है, एक्स और वाई, इसलिए इसका नाम होता है डी एक्स वाई। ऐसे ही हमारी क्या होगी, डी वाई जेड होगी। मान लो ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, तो इन दोनों के मध्य में जो डी ऑर्बिटल उपस्थित होगी उसका नाम क्या होगा, ये होगा डी वाई जेड। ऐसे ही अगली हमारे पास कौन सी है, डी जेड एक्स, यानी कि दो डी और दो अक्ष होंगी, एक हमारे पास एक्स एक्सिस होगी, एक हमारे पास जेड एक्सिस होगी, और इन दोनों के मध्य में जो डी ऑर्बिटल उपस्थित होगी उसका नाम होगा डी जेड एक्स या एक्स जेड, कुछ भी कह लीजिए, डी जेड एक्स एक्स जेड। तो ये तीन डी ऑर्बिटल हैं, ये डी वाई जेड, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। जैसा कि हमको दिखाई दे रहा है ये कहाँ पर है, अक्षों के मध्य में स्थित हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, नॉन एक्सियल कहा जाता है। और इन्हीं तीन ऑर्बिटल के सेट को हम क्या कहते हैं, टी टू जी सेट। आपने देखा होगा पिछली वीडियो में हमने अष्टफलकियों को दो भागों में विभाजित किया था, उसमें से एक टी टू जी सेट था और एक था हमारे पास ई जी सेट। तो ये जो तीन डी ऑर्बिटल होती हैं एक्स वाई वाई जेड डी जेड एक्स, ये कौन सा सेट बनाती हैं, टी टू जी सेट। ठीक है, अब हम देखेंगे बाकी की बची दो डी ऑर्बिटल्स के बारे में। जैसा कि अभी हमने बताया ये कहाँ पर उपस्थित होती हैं, अक्ष पर उपस्थित होती हैं, है ना। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर बनाऊँ, कौन सी एक्स पर होगी, एक एक्स एक्सिस पर होगी और एक वाई एक्सिस पर। ये एक्स एक्सिस और ये है हमारी वाई एक्सिस। तो ये कहाँ पर उपस्थित होंगी, ये ऑर्बिटल्स उपस्थित होंगी अक्षों पर। तो इस डी ऑर्बिटल का नाम क्या होगा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब हम बात करेंगे डी जेड स्क्वायर की। जैसा कि मैंने बताया ये कितने ऑर्बिटल से मिलकर बनी होती है, दो डी ऑर्बिटल से मिलकर बनी होती है। अब हम देखेंगे कैसे उनके जुड़ने से बनती है और डी जेड स्क्वायर की एक्चुअल में शेप कैसी होती है, किस तरीके से हम उसे बनाते हैं। ये है हमारे पास z एक्सिस, ये है हमारे पास x एक्सिस। एक d ऑर्बिटल होगी हमारे पास कौन कौन सी एक्सिस पर उपस्थित है, एक x एक्सिस पर है और एक z एक्सिस पर है। तो हम इसका नाम कैसे दे सकते हैं, ये दे सकते हैं हम डी जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक ऑर्बिटल तो हमारे पास ये होती है, एक होती है हमारे पास ये z एक्सिस, ये y एक्सिस। ये कौन कौन सी एक्सिस पर उपस्थित है, एक z एक्सिस पर उपस्थित है और एक y एक्सिस पर उपस्थित है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा dz स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। अब क्या करेंगी, ये दो जो d ऑर्बिटल हैं, चार हम पहले पढ़ चुके हैं, ये पांचवी और ये हमारी सिक्स d ऑर्बिटल, छठवीं d ऑर्बिटल है। तो टोटल d ऑर्बिटल हमारे पास कितने हो गई, छः। लेकिन अब ये दोनों d ऑर्बिटल क्या कर जाएंगी, एक दूसरे के साथ कंबाइन कर जाएंगी, संयोजन कर जाएंगी, लीनियर कॉम्बिनेशन होगा इनका, यानी रेखीय समायोजन होगा और इससे एक नई ऑर्बिटल का जन्म होगा। तो ये क्या करेंगी, ये दोनों एक्सिस पास पास आएंगी और एक दूसरे के ऊपर आकर अध्यारोपित हो जाएंगी। यानी इसको मैं ऐसे उठाकर यहाँ रख दूँ तो क्या बनेगा, ये बनेंगी जेड, यहाँ पर भी जेड एक्सिस है, यहाँ पर भी जेड एक्सिस है। तो एक तो लोब बनेगी हमारी z एक्सिस पर, ये थोड़ी मोटी लोब बनेगी क्योंकि दो लोगों का अध्यारोपण हो रहा है यहाँ पर। ये कौन सी एक्सिस थी, z एक्सिस थी, और अब ये दो, एक x एक्सिस और एक y एक्सिस। तो ये कैसे आ जाएंगी हमारे पास, ये लोब आ जाएंगी कुछ इस तरीके से, ये y एक्सिस, ये
एक्स एक्सिस। तो ये बन गई हमारे पास एक नई डी ऑर्बिटल, जो कि दो डी ऑर्बिटल के किससे बनी है, रेखीय संयोजन से बनी है। इस डी ऑर्बिटल का नाम क्या होगा? इस डी ऑर्बिटल का नाम होगा, इसमें भी जेड स्क्वायर है, इसमें भी जेड स्क्वायर है, तो इसका नाम हो जाएगा 2z² माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और इसी ऑर्बिटल को हम क्या कहते हैं, इसी ऑर्बिटल को हम बुलाते हैं, ये जेड एक्सिस है और इसके चारों तरफ बेबी शूथर ऑर्बिटल होती हैं। इसी को हम एक शॉर्ट फॉर्म में नाम दे देते हैं, क्या, डी जेड स्क्वायर, यानी कि ये है हमारी डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल। इस तरीके की दिखती है कुछ डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल। इसमें इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कहाँ कहाँ पर होगी, यानी इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ पर मौजूद होगा, जेड अक्ष पर उपस्थित होगा, इसके अलावा एक्स अक्ष पर भी उपस्थित होगा और वाई एक्स पर भी उपस्थित होगा। यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की प्रायिकता किस किस एक्सिस के अलोंग होगी, जेड एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। और इसी ऑर्बिटल को हम क्या कहते हैं, डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल, जो कि किससे बनती है, दो डी ऑर्बिटलों के रेखीय संयोजन से। तो अब हमने देखा कि डी ऑर्बिटल कितनी होती हैं, पाँच होती हैं, कितनी होती हैं, छः होती हैं, लेकिन दो डी ऑर्बिटल क्या कर जाती हैं, रेखीय संयोजन द्वारा कंबाइन कर जाती हैं और एक नई ऑर्बिटल बनाती हैं जिसका नाम है डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल। इस तरीके से हमारे पास टोटल कितनी डी ऑर्बिटल आ गई, पाँच डी ऑर्बिटल आ गई, क्योंकि हमने ये देखा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये जो हमारी नई ऑर्बिटल है डी जेड स्क्वायर, ये कहाँ पर उपस्थित हैं, अक्षों पर उपस्थित हैं, इसलिए इनको अक्षीय कहा जाता है। और ये जो दो डी ऑर्बिटल हैं ये किसका निर्माण करती हैं, ई जी सेट का निर्माण करती हैं, जो कि अभी हम आगे देखेंगे अष्टफलकीय संकुलों में। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, हमने डी ऑर्बिटल्स के बारे में देख लिया कितनी डी ऑर्बिटल्स होती हैं और कैसी उनकी शेप होती है। अब हम पढ़ेंगे स्प्लिटिंग कैसे होती है जब किसी संकुल का निर्माण होता है, तो किस तरीके से डी ऑर्बिटल डी कक्षकों का विपाटन हमने क्या देखने वाले हैं, अब अष्टफलकीय संकुलों में डी कक्षकों का विपाटन किस प्रकार से होता है। सबसे पहले हम देखेंगे ये अष्टफलकीय संकुल क्या होते हैं। अष्टफलकीय, अष्ट का मतलब आठ, फलकीय मतलब फलक यानी कि फेस, यानी कि जिसमें आठ फेस होते हैं, है ना। किस तरीके के संकुल होते हैं ये, Mn6 टाइप के संकुल होते हैं। इस तरीके के संकुल जिसमें एक धातु आयन है जो कितने लिगेंडों से घिरा रहता है, छह लिगेंडों से घिरा रहता है, इस तरह के संकुल जो होते हैं वो अष्टफलकीय संकुल कहलाते हैं। यानी कि अगर मैं ज्योमेट्री बनाकर दिखाऊं इसकी, तो ये कुछ ऐसी दिखेगी, एक स्क्वायर प्लेन होगा जिसके केंद्र पर कौन होगा, धातु आयन उपस्थित होगा, और इसको चारों तरफ से कौन घेरे हुए होंगे, लिगेंड घेरे हुए होंगे। एक लिगेंड ऊपर की तरफ होगा तल से ऊपर और एक लिगेंड तल के नीचे उपस्थित होगा। यानी कि एक्चुअल में ये हम 2D पेपर प्लेन पर दिखा रहे हैं, इसलिए इस तरीके से बना है, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में कैसा होगा, मान लो ये एक स्क्वायर प्लेन है, स्क्वायर है, इसको मैंने ऐसे रखा है एक प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में, एक लिगेंड यहाँ है, एक लिगेंड यहाँ इस कोने पर, एक इस कोने पर और एक इस कोने पर, और बीच में क्या है, धातु आयन है। चार लिगेंड हो गए, हमें कितने चाहिए, छह लिगेंड। तो एक लिगेंड कहाँ होगा, इस तल के ऊपर, और एक लिगेंड कहाँ होगा, इस तल के नीचे। तो जो इस तरीके के संकुल जो बनेंगे उनको कहा जाता है अष्टफलकीय संकुल, या फिर ऐसे समझ लीजिए जैसा कि ये हमारा बोर्ड है, चौकोर होता है, इसके चार किनारे होते हैं, तो बीच में मान लो धातु आयन है और चारों कोनों पर कौन है, लिगेंड है। तो पांचवा लिगेंड कहाँ होगा, इस बोर्ड के ऊपर की तरफ यानी सामने की तरफ, और छठवा लिगेंड कहाँ होगा, इस बोर्ड के पीछे की तरफ यानी कि इस दीवार के पीछे। तो इस तरीके के जो संकुल होते हैं वो कौन से कहलाते हैं, अष्टफलकीय संकुल कहलाते हैं, क्योंकि हम लिगेंडों को इस तरीके से 2D प्लेन पर हम लिगेंडों को नहीं दिखा सकते कि प्लेन के ऊपर है, प्लेन के पीछे है, तो हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। अगर यहाँ देखा जाए, चार लिगेंड मेटल को चारों तरफ से घेरे हुए हैं स्क्वायर प्लेन में, एक लिगेंड तल के ऊपर है और एक लिगेंड कहाँ है, तल के नीचे है। हमारे तीन एक्सिस, अभी हमने इससे पहले पढ़ा था कितनी एक्सिस होती है, तीन एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, है ना। तो मान लो ये जो ऊपर की तरफ जा रही है ये कौन सी है, जेड एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और यहाँ से निकल रही है हमारे पास एक्स एक्सिस। तो जब ये अष्टफलकीय संकुलों का निर्माण होता है तो लिगेंड कहाँ से आते हैं,
अक्षों की तरफ से आते हैं, यानी अक्षों पर से आते हैं, जो हमारी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस होती है, वहां से हम धातु आयन की तरफ अप्रोच करते हैं। पहले लिगेंड कहाँ पर थे? अनंत दूरी पर उपस्थित थे धातु आयन से। फिर धीरे धीरे क्या होगा, लिगेंड धातु आयन के समीप आएंगे आएंगे और कहाँ से आएंगे, अक्षों से आएंगे। अभी हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, डी ऑर्बिटल पढ़ी थी। कितने डी ऑर्बिटल थी हमारे पास? 5 डी ऑर्बिटल थी, जिनमें से 3 डी ऑर्बिटल ऐसी थी जो अक्षों के मध्य में उपस्थित थी, और 2 डी ऑर्बिटल क्या थी, जो अक्षों पर उपस्थित थी, है ना। और हमारे लिगेंड भी कहाँ से आ रहे हैं धातु आयन के समीप? अक्षों से आ रहे हैं। इसका मतलब जो ऑर्बिटल, जो डी ऑर्बिटल अक्षों पर उपस्थित होंगी, उनके लिगेंड, उनसे लिगेंड का सामना क्या होगा, बिल्कुल आमने सामने होगा। ये ऑर्बिटल है, ये लिगेंड है, क्योंकि लिगेंड भी कहाँ से आ रहे हैं, ऑर्बिटल से। तो क्या होगा, मेटल है, धातु आयन है, धातु आयन के पास डी ऑर्बिटल है। अब डी ऑर्बिटल पूरी तरह से खाली तो नहीं होंगी, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। और जो हमारा लिगेंड है, लिगेंड क्या होते हैं, लिगेंड वो होते हैं, किनको हम लिगेंड कहते हैं, लिगेंड वो होते हैं जिनके पास ऐसे एटम या आयन होते हैं जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है, जिसे वो धातु आयन को दान कर सकें। ऐसी एंटिटी जो होती है वो क्या कहलाती हैं, लिगेंड कहलाती हैं। यानी कि लिगेंड के पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। धातु आयन के पास भी पहले से क्या उपस्थित हैं डी ऑर्बिटल्स में, इलेक्ट्रॉन। और हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन कैसे आवेशित होते हैं, ऋण आवेशित होते हैं। तो जब ऋण आवेश के पास आएगा तो क्या होगा, आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण होगा। तो क्या करेंगे, डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, दूर भगाने की कोशिश करेंगे। जब ऐसा होगा, पहले तो डी ऑर्बिटल क्या थी, जब लिगेंड बहुत अनंत दूरी पर थे, आराम से इलेक्ट्रॉन जो थे उपस्थित थे, डी ऑर्बिटल की एनर्जी में कोई चेंज नहीं था, खूब खुशी से रह रही थी, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे लिगेंड पास में आया, इसको धमकियां मिलने लगी, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लिगेंड के इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को धमकाने लगे, तो ये भी कम, ये भी कम थोड़े ना है डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन, ये भी धमकाने लगे, इनका क्यों आ रहे हो, ठीक है आके दिखाओ, कैसे आके दिखाओगे। तो दोनों में क्या हो जाएगी, लड़ाई हो, जब लड़ाई होगी तो एनर्जी क्या होगी, देखा है ना, गुस्सा आता है तो क्या होता है, एकदम एनर्जी हाई हो जाती है इंसान की, है ना, बीमार भी बैठा होगा ना वो भी खड़ा हो जाएगा उठ के गुस्से में आके, वैसे ही यहाँ पर होता है। जैसे ही प्रतिकर्षण होता है लिगेंड के इलेक्ट्रॉन और डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉनों के बीच, तो डी ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। यानी कि अगर हम देखें, ये हैं धातु आयन के 5 डी ऑर्बिटल, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये धातु आयन के 5 डी ऑर्बिटल हैं। अभी इनके ऊपर कोई प्रतिकर्षण नहीं है, इसलिए इनकी ऊर्जा क्या है, एक समान है। इस अवस्था को कहा जाता है डीजेनरेट अवस्था, यानी कि जब सभी डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी एक समान ऊर्जा स्तर पर हो तो इसको क्या कहा जाता है, डीजेनरेट अवस्था। अभी ये पांचों की पांचों डी ऑर्बिटल्स कैसी हैं, डीजेनरेट। डीजेनरेट का मतलब समान ऊर्जा स्तर पर है, इनकी ऊर्जा कैसी है, एक समान है, ठीक है। फिर क्या होगा, मान लो अनंत दूरी से लिगेंड धीरे 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 मेटल के पास आ रहा है। शुरुआत में हम क्या मानते हैं, हम ऐसा मानते हैं, एक हाइपोथेटिकल काल्पनिक अवस्था लेकर चलते हैं, हम ऐसा मानते हैं कि जितनी की 5 डी ऑर्बिटल हैं तो सभी जो लिगेंड हैं वो धातु आयन को 5 डी ऑर्बिटल को समान रूप से प्रभावित कर रहे हैं, यानी कि 5 की 5 डी ऑर्बिटल से समान दूरी पर उपस्थित हैं। समान दूरी पर उपस्थित होंगे तो क्या होगा, एक स्फेरिकल ज्योमेट्री बनेगी, है ना, एक स्फीयर का निर्माण होगा, सभी बॉन्ड लेंथ क्या होंगी, एक समान होंगी। लेकिन होता क्या है, अष्टफलकीय संकुलों में कभी भी स्फेरिकल अवस्था नहीं पाई जाती है, यानी कि ये कैसी कंडीशन है, हाइपोथेटिकल काल्पनिक अवस्था है। लेकिन मान रहे हैं हम कि लिगेंड स्फेरिकली, यानी कि चारों तरफ से बराबर मात्रा में प्रतिकर्षण लगा रहे हैं 5 डी ऑर्बिटल पे, तो क्या होगा, प्रतिकर्षण 5 डी ऑर्बिटल पे बराबर लग रहा है तो ऊर्जा बढ़ेगी, और कितनी बढ़ेगी, बराबर बढ़ेगी। यानी कि ये अगर ग्राउंड स्टेट है तो ये क्या होगी, ऊर्जा बढ़ेगी बढ़ेगी, और ये आ गई हमारी 5 डी ऑर्बिटल एक्साइटेड स्टेट में, उत्तेजित अवस्था में,
डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक हमारे पास है डी जेड स्क्वायर। यानी कि हमने क्या माना, लिगेंड धातुआइन को चारों तरफ से बराबर मात्रा में प्रतिकर्षित कर, धातुआइन के डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉनों को बराबर मात्रा में प्रतिकर्षित कर रहा है, यानी पांचों डी ऑर्बिटल पे एक समान प्रतिकर्षण बल लग रहा है। जब प्रतिकर्षण बल एक समान लगेगा तो उनकी ऊर्जा में भी वृद्धि क्या होगी, एक समान होगी। यानी कि अभी भी डी ऑर्बिटल का विभाजन नहीं हुआ है, सिर्फ क्या हुआ है, ऊर्जा में वृद्धि हुई है। ये ग्राउंड स्टेट है तो हम इसको क्या ले लेंगे, एक्साइटेड स्टेट। और ये कौन सी अवस्था है, ये कैसी अवस्था होती है, काल्पनिक हाइपोथेटिकल। जब लिगेंड किस में उपस्थित है, ये कंडीशन कब आती है, स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड में। यानी कि जब लिगेंड क्या कर रहे हो, चारों तरफ से बराबर मात्रा में प्रतिकर्षण लगा रहे हो, स्फेरिकली धातु आयन को चारों तरफ से घेरे हुए हों, तो क्रिस्टल क्षेत्र है कैसा, स्फेरिकल। और ये कंडीशन कैसी होती है, हाइपोथेटिकल। ठीक है, फिर हम जानते हैं कि अभी हमने बताया कि अष्टफलकीय संकुलों में स्फेरिकल कंडीशन पॉसिबल नहीं है, यानी कि लिगेंड पांचों के पांचों डी ऑर्बिटल को समान रूप से प्रभावित करें, ऐसा नहीं हो सकता है। अभी मैंने बताया लिगेंड कहाँ से आ रहे हैं, अक्षों पर से आ रहे हैं, और तो जो ऑर्बिटल, जो डी ऑर्बिटल अक्ष पर उपस्थित होंगी उनसे लिगेंड का सीधा सीधा आमना सामना होगा, यानी कि उनकी एनर्जी सबसे ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, और जिन और जो डी ऑर्बिटल अक्षों के मध्य में उपस्थित हैं उनका प्रतिकर्षण क्या होगा, कम होगा, इसलिए उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी। हमने अभी अभी देखा पांच डी ऑर्बिटल थी जिनमें से ये तीन डी ऑर्बिटल क्या थी, अक्षों के मध्य में उपस्थित थी, अक्ष पर नहीं थी, कहाँ थी, अक्षों के मध्य में। यानी कि इनका लिगेंड से सीधा सीधा संपर्क नहीं होगा, इसका मतलब इनमें प्रतिकर्षण भी इतना नहीं होगा, जबकि ये जो दो डी ऑर्बिटल थी ये कहाँ पर उपस्थित थी, अक्ष पर उपस्थित थी, और वहीं से लिगेंड भी आ रहा था, इसका मतलब इन दो डी ऑर्बिटल्स के अंदर प्रतिकर्षण सबसे ज़्यादा होगा, यानी कि इनकी ऊर्जा जो होगी बढ़ जाएगी। इसका मतलब जो हमारी डी ऑर्बिटल है वो दो भागों में टूट जाएगी। जो दो डी ऑर्बिटल अक्ष पर उपस्थित हैं कौन कौन सी, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, इनमें लिगेंड से सीधे प्रतिकर्षण होने की वजह से इनकी ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जबकि जो तीन डी ऑर्बिटल हैं जो कि अक्षों के मध्य में उपस्थित हैं इनमें उतना प्रतिकर्षण नहीं होगा, क्योंकि ये लिगेंड के सीधे रास्ते में नहीं है, इसलिए इनकी ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये ग्राउंड स्टेट है, ये एक्साइटेड स्टेट है, और हमने इस एक्साइटेड स्टेट पर देखें तो पांचों की पांचों डी ऑर्बिटल जो है वो विभाजित नहीं हुई हैं, तो इसके सापेक्ष जो हम ऊर्जा लेंगे, जो स्तर लेंगे, इसको कहा जाता है बेरी सेंटर, या इसको नो स्प्लिटिंग जोन भी कहते हैं। नो स्प्लिटिंग जोन यानी इसकी ऊर्जा इसके सापेक्ष है, और यहाँ पर कोई भी स्प्लिटिंग, विपाटन, स्प्लिटिंग का मतलब विपाटन, डी ऑर्बिटल का टूटना, यहाँ पर कोई विपाटन नहीं हुआ है, और ये इसी के तो सापेक्ष है, इसका मतलब यहाँ पर कोई विपाटन नहीं होगा, इसीलिए इसको बेरी सेंटर या नो स्प्लिटिंग जोन भी कहा जाता है। अब अगर हम इस बेरी सेंटर के सापेक्ष देखें तो ये जो तीन डी ऑर्बिटल हैं इनकी ऊर्जा क्या हो गई है, कम हुई है, जबकि ये जो दो डी ऑर्बिटल हैं इनकी ऊर्जा क्या हुई है, बढ़ गई है। ये जो तीन डी ऑर्बिटल हैं इन्हीं को कहा जाता है टी टू जी सेट, और ये जो दो डी ऑर्बिटल हैं इनको कहा जाता है ई जी सेट। यानी कि जो हमारी डी ऑर्बिटल है अष्टफलकीय संकुलों का जब निर्माण होता है तो जो पांच डी ऑर्बिटल होती हैं वो दो भागों में टूट जाती हैं, दो सेट्स में बट जाती हैं, एक है हमारा टी टू जी सेट और एक है हमारा ई जी सेट। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको कि इनकी एनर्जी कम क्यों है और इन दो डी ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा क्यों है, क्योंकि ये जो दो डी ऑर्बिटल हैं कहाँ पर उपस्थित होती हैं, अक्ष पर उपस्थित होती हैं, अक्षीय होती हैं, और लिगेंड भी कहाँ से आ रहे थे, अक्ष से आ रहे थे, तो प्रतिकर्षण इनमें क्या होगा, ज़्यादा होगा, प्रतिकर्षण ज़्यादा होगा तो ऊर्जा भी इनकी ज़्यादा बढ़ेगी। जबकि ये अक्ष पर उपस्थित ना होकर कहाँ उपस्थित होते हैं, अक्षों के मध्य में उपस्थित होते हैं, जो इनका लिगेंड से सीधा सीधा सामना नहीं होगा, इसलिए इनका प्रतिकर्षण उतना ज़्यादा नहीं होगा, इसलिए इनकी एनर्जी क्या हो गई है, कम हो गई है। अब अगर हम यहाँ देखें ये एक्साइटेड स्टेट थी, इसकी एनर्जी जीरो तो नहीं होगी, कुछ ना कुछ एनर्जी तो होगी, इसकी जो एनर्जी होती है उसको हम एवरेज ले लेते हैं, एवरेज एनर्जी मानते हैं ना, तो अगर हम देखें
इस स्टेट की एनर्जी वैसे तो जीरो नहीं होगी, लेकिन अगर हम कैलकुलेशन को आसान बनाना चाहते हैं तो हम अज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ये जो बेरी सेंटर है इसकी एनर्जी क्या है, जीरो। हालांकि एक्चुअल में जीरो नहीं होती, हमने देखा ये एक्साइटेड स्टेट है, ये जीरो एनर्जी तो नहीं हो सकती ना, कुछ ना कुछ तो एनर्जी होगी, लेकिन हम कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो बेरी सेंटर है, ये जो नो स्प्लिटिंग जोन है, इसकी एनर्जी कितनी होती है, जीरो होती है। यानी कि अगर हम इस बेरी सेंटर के सापेक्ष देखें तो इन तीन डी ऑर्बिटल्स की ऊर्जा जो है वो क्या हुई है, कम हुई है। ऊर्जा कम हुई है इसका मतलब इन्होंने ऊर्जा को निकाला होगा और खुद कहाँ चले गए होंगे, लोअर एनर्जी पर चले होंगे। तो जब इन्होंने ऊर्जा निकाली है तो यहाँ साइन कैसा आएगा, नेगेटिव, क्योंकि इन्होंने ऊर्जा का त्याग किया है ना, स्टेबल हो गए हैं। अगर इसके कंपेरिजन में हम देखा जाए, ये एक्साइटेड स्टेट है, इसकी एनर्जी हाई है, और कभी कोई स्टेट कब स्टेबल होगी, जब उसकी एनर्जी क्या हो जाए, कम हो जाए। तो अगर हम इनकी बात करें टी टू जी सेट, तो इसके सापेक्ष में ये क्या होंगे, स्टेबल होंगे, स्थाई होंगे, क्योंकि इनकी ऊर्जा क्या है, कम है, इन्होंने ऊर्जा का त्याग किया है। कितनी ऊर्जा त्याग की है, 2/5 डेल्टा ओ ऊर्जा इन्होंने त्याग की है, या फिर हम दूसरी लैंग्वेज में इसको लिखें तो इनकी ऊर्जा कितनी होती है, माइनस, यहाँ से यहाँ तक की जो ऊर्जा गैप है वो कितना होता है, -0.4 डेल्टा ओ। ये जो डी ऑर्बिटल, अच्छा एक बात और, ये जो डी ऑर्बिटल का विपाटन हुआ है दो भागों में, टी टू जी सेट और ई जी सेट में, इसी विपाटन को कहा जाता है क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। क्या कहा जाता है, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। और इस विपाटन में कुछ ऊर्जा मुक्त होती है, क्योंकि इसको क्या कहा गया है, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, तो जो ऊर्जा मुक्त होगी उसे भी क्या कहा जाएगा, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम, अष्टफल के संकुल के बारे में पढ़ रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल, तो इसीलिए यहाँ पर सफिक्स में क्या लगा दिया जाता है, ओ, यानी कि ये किसको प्रदर्शित कर रही है, अष्टफल के संकुल को। और डेल्टा का मतलब क्या है, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, यानी कि जब दो डी ऑर्बिटल जब दो भागों में टूटी तो जो ऊर्जा मुक्त हुई उसे कहा जाता है क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। इन्होंने ऊर्जा त्यागी, कितनी त्यागी, -0.4 डेल्टा ओ। जितनी ऊर्जा इन्होंने त्यागी उतनी ऊर्जा इन्होंने क्या कर ली, ग्रहण कर ली, यानी कि इनकी जो ऊर्जा बढ़ी है वो कहीं बाहर से नहीं आई, इन्हीं पांचों डी ऑर्बिटल की ओवरऑल एनर्जी होगी, है ना। और यहाँ पर भी ओवरऑल एनर्जी जितनी यहाँ थी डी ऑर्बिटल की एनर्जी उतनी ही रहेगी, लेकिन यहाँ पर दो भागों में बट गई है, कुछ डी ऑर्बिटल स्टेबलाइज हो गए, स्थाई हो गए, ऊर्जा का त्याग किया है, और जो ऊर्जा उन्होंने त्यागी है वो बचे हुए डी ऑर्बिटल ने ग्रहण कर ली और खुद कहाँ चले गए, उच्च ऊर्जा स्तर पर। यानी कि ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी हमारी, कॉन्स्टेंट रहेगी, रहेगी कि नहीं रहेगी। अब इन दो डी ऑर्बिटल की बात करें बेरी सेंटर के सापेक्ष देखा जाए तो इन्होंने ऊर्जा ग्रहण की है, ये इससे उच्च ऊर्जा स्तर पर है, यहाँ पर कुछ एनर्जी होगी, और ये इससे भी ऊंचे स्तर पर है, यानी कि ये कैसे हैं, डी स्टेबलाइज हैं, इनकी ऊर्जा क्या हो गई है, बढ़ गई है, डी स्टेबलाइज हो गए हैं, यानी कि ये कैसे हैं, ये अस्थाई हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, इन्होंने ऊर्जा ग्रहण की है तो साइन कैसा आएगा, प्लस, कितनी ऊर्जा ग्रहण की है, इन्होंने ऊर्जा ग्रहण की है 3/5 डेल्टा ओ, या फिर हम इसको लिख सकते हैं +0.6 डेल्टा ओ। कितनी ऊर्जा है, +0.6 डेल्टा ओ। अच्छा, इसकी एक और यूनिट भी होती है क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा की, जिसे हम बोलते हैं DQ, डेक्यूरल, डेक्यूरल यूनिट। बस डेल्टा और DQ में क्या फर्क है, डेल्टा जो होता है वो 10 DQ के बराबर होता है, ये रिलेशन है डेल्टा और डेक्यूरल यूनिट में, डेल्टा इज इक्वल्स टू 10 DQ। इसका मतलब अगर मैं इसको DQ में प्रदर्शित करूँ तो ये कितनी हो जाएगी एनर्जी, ये एनर्जी हो जाएगी 4 DQ, और ये कितनी हो जाएगी 6 DQ। तो हम इस तरीके से भी इसे प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा अष्टफलकीय संकुल जो होते हैं किस तरह के होते हैं, बीच में धातु आयन होता है, उसको चारों तरफ से 6 लिगेंड घेरे हुए होते हैं, और लिगेंड कहाँ से अप्रोच करते हैं, मैं धातु आयन को अक्षों पर से अप्रोच करते हैं, इसलिए जो डी ऑर्बिटल लिगेंडों के सीधे मार्ग में उपस्थित होती है उनकी ऊर्जा जो होती है वो बढ़ जाती है, जबकि जो डी ऑर्बिटल अक्षों के मध्य में उपस्थित होती हैं उनमें उतना प्रतिकर्षण नहीं होता, इसलिए वो क्या हो जाती है, स्टेबलाइज हो जाती हैं और निम्न ऊर्जा की हो जाती हैं, कुछ ऊर्जा त्याग देती हैं, उसी ऊर्जा को ये डी ऑर्बिटल ग्रहण करके उच्च ऊर्जा स्तर पर चली जाती है। इनकी ऊर्जा, इन्होंने कितनी ऊर्जा त्याग की, -0.4 डेल्टा ओ, और इन्होंने कितनी ऊर्जा ग्रहण की, +0.6 डेल्टा ओ, और इन दोनों का जो ओवरऑल सम आएगा वो क्या कहलाएगा, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं
पॉइंट लिख सकते हैं, जब लिगेंड धातु आयन के समीप आते हैं तो डी कक्षकों का T2G व EG सेट में विपाटन हो जाता है, जिसे क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहते हैं तथा इस विपाटन में मुक्त हुई ऊर्जा क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहलाती है। इसी को हम कहते हैं CFSE। CFSE कहलाती है। CFSE क्या होती है? CFSE का मतलब है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, यानी कि क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? जिसे हम डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अष्टफल के संकुल हमारे किस तरीके के होते हैं? Mn6 टाइप के। जब क्या होता है? जब एक धातु आयन को 6 लिगेंड चारों तरफ से घेरे हुए होते हैं तो वो अष्टफल के संकुल होते हैं, और जब लिगेंड धातु आयन को चारों तरफ से घेरते हैं, यानी जब लिगेंड के में धातु आयन के समीप आते हैं, तो प्रतिकर्षण की वजह से डी ऑर्बिटल का दो भागों में विपाटन हो जाता है, एक T2G सेट और एक EG सेट। अच्छा, यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है, मैंने यहाँ पर T2 और E के साथ एक वर्ड लगाया है, G। ये G क्यों लगाया है? जब हम देखेंगे चतुष्फल की है, वहाँ देखेंगे वहाँ G नहीं आएगा, जबकि यहाँ पर G आ रहा है। तो G क्या है? अष्टफलकीय संकुल कैसे होते हैं? अष्टफलकीय संकुल होते हैं, एक धातु आयन है, जिसको चारों तरफ से 6 लिगेंड घेरे हुए हैं। अगर हम देखें, इस लिगेंड के सामने ये लिगेंड है, इस लिगेंड के सामने ये लिगेंड है, इस लिगेंड के सामने ये लिगेंड है, यानी कि जो अष्टफलकीय संकुल होते हैं उसमें क्या उपस्थित होता है? सममिति का केंद्र, सेंटर ऑफ सिमेट्री उपस्थित होता है। और जहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री उपस्थित होता है, वहाँ पर हम क्या लगाते हैं? ये जी वर्ड का यूज़ करते हैं। जी का मतलब क्या होता है? जी का मतलब होता है जी रेड, यानी कि ये जो T2G और EG सेट की ऑर्बिटल हैं, ये कैसी हैं? जी रेड हैं। जी रेड क्यों है? क्योंकि अष्टफलकीय संकुलों में क्या उपस्थित होता है? सेंटर ऑफ सिमेट्री, सम्मिति का केंद्र उपस्थित होता है। इसीलिए ये जो सेट है, यहाँ पर क्या लगा हुआ है? जी वर्ड यूज हुआ है, जी रेड, यानी कि ये सभी डी ऑर्बिटल्स कैसी हैं? जी रेड हैं, क्योंकि अष्टफलकीय संकुल में सम्मिति का केंद्र उपस्थित होता है। इसलिए यहाँ पर T2 के साथ क्या लगेगा? जी, और E के साथ भी क्या लगेगा? जी। जबकि हम चतुष्फलकीय संकुलों में देखेंगे, वहाँ पर सम्मिति का केंद्र नहीं होता, इसलिए वहाँ पर हम ये जो जी सफिक्स यूज किया है, हम वहाँ पर यूज नहीं करेंगे। समझ में आया? जी का मतलब क्या होता है? जी रेड। जी रेड कहाँ लगता है? जहाँ पर सम्मिति का केंद्र उपस्थित होता है, वहाँ जी रेड लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारे जो अष्टफलकीय संकुल होते हैं, उसमें डी कक्षकों का विपाटन किस प्रकार से होता है।
अब हम देखेंगे कि हमारे चतुष्फलकीय जो संकुल होते हैं उसमें डी कक्षकों का विपाटन कैसे होता है, ये हम देखेंगे हमारे अगले लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू।